मैं डॉक्टर कविता आप सबको स्पंदना प्लेटफॉर्म में स्वागत कर रही हूँ। इस वीडियो में आपके प्रश्नों का उत्तर देने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपने सेहत से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है, मगर आप ये ना समझे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए यही सॉल्यूशंस है। आयुर्वेद का पूरा ट्रीटमेंट देके आपके सारे प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं। उसमें से कौन सा पद्धति करना है और कौन से ट्रीटमेंट देना है, मेडिसिन कौन सा सेलेक्ट करना है, ये पूरा डिसाइड करने के लिए आपको पूरा एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और आपका प्रकृति देखना पड़ेगा। बाद में पूरा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, मगर ये थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंज करके या फिर ये घरेलू उपचार से बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो सकते हैं। पहला है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और कब्ज। इसमें आहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बटाटा नहीं खाना चाहिए, मूंग और मटकी छोड़ के बाकी कौन सा भी धान्य नहीं खाना है। ज़्यादा तला हुआ मसालेदार चीज़ें, अंडा, नॉनवेज, कॉफ़ी, टी, ऐसी चीज़ें नहीं लेना है। सुबह उठने के बाद 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। बाद में रात को शेंग दाना भिगो के रखना है, वो 15 से 20, उसको सुबह काले पेट में गुड़ के साथ खाना है। स्प्राउट्स खाने हैं, सारे तरह के फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना है। इससे आपका कब्ज का प्रॉब्लम या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। पानी भी पीना बहुत ही ज़रूरी है। वॉकिंग करते रहे और रेगुलर योगा सना प्राणायाम ध्यान करना भी उतना ही ज़रूरी है। दोपहर को नहीं सोना चाहिए और रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद 1/2 से 1 चम्मच त्रिफला चूर्णम थोड़ा गुनगुना पानी में मिला के पीना है। इससे भी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और दूसरा है पित्त का प्रॉब्लम। जब पित्त बढ़ जाता है तो चक्कर आना, उल्टी आने के जैसा, छाती में जलन होना, भूख नहीं लगना, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें भी आपको सेम डाइट ही फॉलो करना है जो मैंने पहले बताया है। उसके साथ तूर दाल भी मत खाइए। उपवास नहीं रहना है। सुबह उठने के बाद 30 से 40 ml आंवला जूस 1 ग्लास पानी में डाल के खाली पेट में पीना है। इसके साथ अलवेरा जल, जो फ्रेश अलवेरा जल रहता है, उसको 1 से 2 ग्राम खाली पेट में खाना है। और वही जल सिर में लगा के थोड़ा सा मॉलिश करना, हाथ के तलवों में और पैर के तलवों में लगा के थोड़ा मॉलिश करने से भी उष्णता कम हो जाएगी और पित्त कम हो जाएगा। उपवास नहीं करना है और टाइम पे खाना खाना है। दोपहर को नहीं सोना है। खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, वो दही है या फिर ताक है या फिर कौन सा भी फल है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना। इससे भी पित्त कम हो जाएगा। रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, माइंड फ्रेश रखिए। तीसरा है कफ का प्रॉब्लम। जब कफ बढ़ जाता है तो खांसी, सर्दी या फिर फीवर आना, ये प्रॉब्लम्स में आपको ठंड चीज़ें नहीं खाना है। फ्रिज में का दूध, दही, पनीर या फिर कौन सा भी फल नहीं खाना है। और अगर गौरान गाय का दूध है तो ले सकते हो, बाकी कौन सा भी दूध नहीं लेना है। इससे भी कफ कम हो जाएगा। और एक कषाय बना के आप ले सकते हो, इससे ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। गुड़वेल या फिर गुड़ची जो बोलते हैं, उसका कांड 2 से 3 इंच लेना है। उसको अच्छी तरह से धोना है और कूट के लेना है। इसमें 1 लवंग, 2 से 3 काली मिरी और 1 पिंच हरिद्रा चूर्ण और 15 से 20 तुलसी के पत्ते, ये सारी चीज़ें लेके अच्छी तरह से कूटना है और उसको 1 ग्लास पानी में डालना है। और इसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हो या फिर बड़ा
शक्कर जो रहता है वो भी डाल सकते हो। वो एक ग्लास पानी में डाल के आधा ग्लास होने तक उबालना है धीमी आंच पे, और बाद में छान के थोड़ा जब गुनगुना रहता है उसको पीना है। ये आप दिन में 2-3 बार भी कर सकते हो। अगर फीवर है तो उसमें थोड़ा सा नीम के पत्ते भी, एक या फिर 2 नीम के पत्ते भी डाल सकते हैं, इससे फीवर भी कम हो जाता है। ये बड़ों के लिए डोज है, बच्चों को देना है तो इसमें से आधा भी दे सकते हैं, इससे भी कफ या फिर सर्दी खांसी फीवर भी कम हो जाएगा। ये थोड़ा घर में घरेलू उपचार करने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। और अगर हेल्दी है, ऑलरेडी हेल्थ अच्छा है, वो भी ये कषाय बना के पी सकते हैं। और रेगुलर आप योगासना प्राणायाम ध्यान करते रहिए, और पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें करने से हमारे हेल्थ भी ठीक रहेगा, और कुछ छोटे मोटे अगर कुछ बीमारियां है वो भी ठीक हो जाएंगे। और खाने में भी ज़रूर आप लहसुन, अदरक और वोवा यूज़ कीजिए, इससे भी तीनों दोष कम हो जाएंगे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अच्छी तरह से चबा के खाइए। आशा करती हूँ कि आप सबके प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, और अगर आगे कुछ प्रश्न रहे तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्नों को डाल सकते हैं। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।